जैसे कि आज हम देखें तो मार्केट में वापस एक काफी बढ़िया मूवमेंट रहा और निफ्टी 147 पॉइंट तकरीबन प्लस रही और 0.86%। बैंक निफ्टी में ज्यादा एग्रेशन नहीं रहा कंपेयर टू निफ्टी, मगर देखिए तो ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव रहा। अब हमने कल डेली मार्केट व्यू में बात की थी कि मार्केट क्यों बढ़िया लग रहा है और यहाँ से क्यों रिकवरी हो सकती है, और यहाँ पे आज उस एक्शन को निफ्टी ने एक रिस्पेक्ट दिया और निफ्टी आज पॉजिटिव रही। अब ओवरऑल देखें कि निफ्टी और आगे क्या कर सकती है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस क्या हो सकता है, हम देख रहे हैं डेली मार्केट रिव्यू। निफ्टी और बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस क्या हो सकता है आगे, ये हम समझने की कोशिश करेंगे टेक्निकल चार्ट के से। नमस्कार, मैं अजीत सिंह, स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर देखा जाए तो हम लोग सबसे पहले आर्ली कैंडल्स देखें, तो आर्ली कैंडल्स में हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से निफ्टी का मूवमेंट है। हम लोग ये देख सकते हैं कि लो बनाया था निफ्टी ने, हम लोग यहां पर मार्क कर रहे हैं लो, फिर निफ्टी कंटिन्यू लोअर हाई हायर लोज बनाता हुआ जा रहा था। यहां हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि निफ्टी कंटिन्यू निफ्टी ने एक लोअर हाई हायर लोज स्टैब्लिश किया और आज भी निफ्टी ने ये लोअर हाई स्टैब्लिश किया है। देखें तो निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग की और इस गैप अप ओपनिंग के ऊपर सस्टेन किया है निफ्टी ने। हम लोग ये देख सकते हैं जो ओपनिंग थी पहले, एक जहां से निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था उसका हाई था 17,155 और आज की जो ओपनिंग है वो है 17,185। तो जब भी निफ्टी में एक एग्रेशन हमको देखने मिला, निफ्टी गैप अप ओपनिंग के साथ कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहां पे हमको ये पोजीशंस देखने के मिल रही है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब यहां से देखें तो एक हायर हाई हायर लोस कंटिन्यू निफ्टी बनाता हुआ जा रहा है। हम लोग ये चेक कर सकते हैं आर्ली कैंडल्स पे, एक यहां पे हम लोग चेक करें इस कैंडल्स की। अगर बात करें तो इस कैंडल पे निफ्टी ने हायर लो स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी और यहां से फिर हायर लो बना के वापस निफ्टी अप ट्रेंडिंग हो गया। यहां पे हम लोग ये चेक कर रहे हैं तो निफ्टी हर एक लेवल पे एक हायर हाई हायर लोज बनाने की कोशिश कर रहा है और हर एक हायर लेवल से यहाँ पर लोग देख कर सकते हैं किस तरीके से निफ्टी का मूवमेंट है। उसी तरीके से अब यहाँ पे हम लोग चेक करें कि इस हायर लो से निफ्टी ने जो सस्टेन किया था, रेजिस्टेंस लिया था, वो देखें तो 0.786% का लिया था और वापस निफ्टी अप ट्रेंडिंग मूवमेंट ट्रेड कर रहा है। ये तो हम लोग ने बात की डेली चार्ट पे, माफ करना आर्ली कैंडल्स पे। अब डेली चार्ट की बात करें तो निफ्टी ने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है, ये हमको देखने के लिए मिलता है। एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी ने किस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। कल देखें तो इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा था और आज निफ्टी ने इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद निफ्टी एक हायर लो स्टैब्लिश करना चाहिए डेली चार्ट में। जैसे कि हमने कल देखा कि निफ्टी ने एक हायर लो बनाया है मगर वो हायर लो अभी तक स्टैब्लिश नहीं किया है। ये देखें तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक हाई बनाया था, कल एक रिट्रेसमेंट आया, निफ्टी 0.382% तक आया और उसके बाद वापस अप ट्रेंडिंग हो गया और आज उसको फॉलोअप कैंडल आया, मतलब इस हायर लो को कंफर्मेशन दिया है बायर्स ने कि बायर यहां पे एग्रेसिव है। मतलब प्राइस एक्शन ही हमको कंटिन्यू बताते हैं अगर यहां पे बायर ने एग्रेसिव बाइंग की है गैप ओपनिंग के साथ। उन्होंने कोशिश की है बताने की कि दे आर वेरी एग्रेसिव ऑन बाइंग साइड। अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो एक वापस एक हायर लो स्टैब्लिश होना चाहिए। वीकली चार्ट्स की बात करें तो वीकली चार्ट्स में देख सकते हैं किस तरीके से ये कैंडल प्रिंट हो रहा है और हमने बात की थी कल अगर ये कैंडल 17,600 के लेवल्स तक अगर कंप्लीट करता है, अगर ऑब्जॉर्व करता है पूरे इस नेगेटिव कैंडल को, मतलब ये देखें तो 3% का जो कैंडल है नेगेटिव रहा है, हम लोग ये चेक कर सकते हैं 13 दिसंबर का कैंडल। मतलब ये पूरे वीक का हम लोग देख रहे हैं, ये वीकली कैंडल है और इस पूरे वीक में निफ्टी ने किस तरीके से एक एक्शन दिया था और यहां से फिर एक गैप अप गैप डाउन ओपनिंग रही थी वीकली चार्ट्स में। तो यहां पे देखें तो एक बाइंग सिग्नल आता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें एक रिट्रेसमेंट की तो निफ्टी एक अच्छी तरीके से देखें तो 0.186% का रिट्रेसमेंट निफ्टी लेता हुआ दिख रहा है। अब बात करें हम लोग बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी का भी सिनेरियो ऐसे ही है। अब बात करते हैं लोग मंथली चार्ट पे, तो मंथली चार्ट पे इस मंथ में अभी तक 250.147 पॉइंट निफ्टी प्लस है और यही सिनेरियो हमको बैंक निफ्टी में देखने के लिए नहीं मिलता। बैंक निफ्टी अगर कंपेयर करें तो बहुत बहुत ज़्यादा एक प्रेशर बैंक निफ्टी पे है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन। जिस तरीके से इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी और लिक्विडिटी अगर कम होगी तो बैंक्स के पास पैसे सस्ते नहीं महंगे आएंगे और महंगे पैसे उनको अगर देना है ब्याज पे तो उनमें उसको उनको ज़्यादा ताकत लगेगी और जो इंडस्ट्री है इंडस्ट्री भी महंगे पैसे लेना कोविड की सिचुएशन में अवॉइड करेगी। तो एक जो बिजनेस
जो बिजनेस है वो उस तरीके से बहुत बढ़िया नहीं चलेगा, उसका एक फियर हमको बैंक निफ्टी के चार्ट्स में ही देखने मिल रहा है। अब बात करें तो किस तरीके से निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया है, मगर हमको बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट के नजदीक में भी कैंडल्स नहीं दिखते, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। ब्रेकआउट के ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के नजदीक में भी हमको कोई कैंडल्स नहीं दिखते, मतलब यहां पे देखें तो निफ्टी एक अप ट्रेंडिंग हो चुका है। और कंपेयर करें निफ्टी के साथ अगर हम लोग डेली चार्ट्स को, तो हम लोग ये चेक कर सकते हैं किस तरीके से निफ्टी का बाउंस रहा है। हम लोग ये देख सकते हैं कि लो रहा 29 नवंबर का, उसके बाद 3 दिसंबर का हम लोग चेक कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ये है 29 नवंबर और ये है 3 दिसंबर, उसके बाद एक हमको बाउंस देखने को मिला। पर बैंक निफ्टी में 29 नवंबर और 3 दिसंबर का कोई बहुत बड़ा बाउंस देखने नहीं मिला है। अब कंपेयर करें बाउंस को भी, तो एक बाउंस भी ठीक ठाक बाउंस था, मगर बैंक निफ्टी में ये बाउंस हमको देखने नहीं मिला उतना बढ़िया तरीके से, और जो फॉल है वो शार्पली हुआ है। तो एक हायर लो एस्टैब्लिश किया है बैंक निफ्टी ने, यहाँ पे हम लोग ये चेक कर सकते हैं। जो रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट बढ़िया तरीके से लिया है बैंक निफ्टी ने भी, एक 0.786% का, मगर अभी रिट्रेसमेंट के बाद बैंक निफ्टी को वापस एक हायर लो एस्टैब्लिश करना होगा अपने बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये रिवर्सल हो सकता है। यहाँ पे देखें तो निफ्टी में किस तरीके का कैंडल बना था, पॉजिटिव कैंडल, हम लोग देखें वीकली चार्ट्स पे। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं दोनों इंडाइसेस को कि कौन से इंडाइसेस का परफॉर्मेंस बढ़िया है। तो देखें तो किस तरीके से निफ्टी का वीकली चार्ट्स कैसे पॉजिटिव रहा है कैंडल, ये हम लोग चेक कर रहे हैं लास्ट वीक का 20 दिसंबर का। और बैंक निफ्टी का कैंडल उतना बढ़िया और शानदार नहीं रहा, मतलब बैंक निफ्टी में हमको प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। बात करें हम लोग मंथली चार्ट पे, तो मंथली चार्ट पे ये देख सकते हैं इस मंथ में अभी तक 511.43% बैंक निफ्टी माइनस है। तो ओवरऑल हम लोग समझे प्राइस एक्शन की बात, हम लोग ने प्लेन चार्ट पे स्टडी की प्राइस एक्शन किस तरीके से दिख रहे हैं, तो प्राइस एक्शन में निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी दिख रही है, मगर बैंक निफ्टी में एक प्रेशर हमको देखने के लिए मिल रहा है। अब बात करते हैं हम लोग ईएमएस पे, ईएमएस की बात करें तो 50 ईएमए के नजदीक में निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 13 ईएमए, 20 ईएमए, 5 ईएमए, हर ईएमए के ऊपर आ चुका है। आज एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है निफ्टी के अंदर डेली चार्ट्स में। बात करें वीकली चार्ट्स में, तो वीकली चार्ट्स में बहुत दिन के बाद आज 5 ईएमए के ऊपर ट्रेड करता हुआ और क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने, हम लोग ये चेक कर सकते हैं। जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन हम लोग देख रहे हैं, ये है 17,218 का, और जो क्लोजिंग हुई है 17,233 का। मतलब हम लोग ये देख सकते हैं कि एक बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पे 5 ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ, तो निफ्टी 5 ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ, तो एक अच्छा चीज हमको देखने के लिए मिल रहा है, एक अच्छा सेंटीमेंट है। बात करें डेली मंथली चार्ट पे, तो मंथली चार्ट पे 5 ईएमए के ऊपर है। अब बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे 5 ईएमए के ऊपर आया है। वीकली चार्ट्स की बात करें तो बाकी हर ईएमएस के ऊपर नहीं है अभी तक जिस तरीके से निफ्टी है। वीकली चार्ट्स की बात करें तो वीकली चार्ट 50 ईएमए के ऊपर है, मगर 5 ईएमए, 13 ईएमए, 20 ईएमए, हर ईएमए के नीचे है। बात करें मंथली चार्ट पे, तो मंथली चार्ट में 13 ईएमए का सपोर्ट लिया है निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने माफ करना, मगर 5 ईएमए के अभी भी नीचे है। तो ओवरऑल अगर हम लोग समझे एक सिनेरियो, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में रिकवरी दिख रही है, मगर बैंक निफ्टी बहुत एग्रेसिव तरीके से रिकवरी के मूड में नहीं दिखता, जिस तरीके के प्राइस एक्शन हमको देखने के लिए मिल रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, अगर देखें तो बैंक निफ्टी में ज्यादा प्रेशर है। अब बात करते हैं लोग एनएससी की साइड पे, क्या रहा आज मार्केट, कौन सी कंपनी प्लस रही, कौन सी कंपनी माइनस रही, और कौन कौन से शेयर्स में हमको एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। अब देखें तो 48 कंपनी प्लस रही, 2 कंपनियां माइनस रही। बर्नाल शेयर्स में सन फार्मा, एशियन पेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक 7 और एनटीपीसी रहे। गिनल शेयर्स में पावर ग्रिड और इंडसइंड बैंक रहे। मोस्ट एक्टिव शेयर्स अगर देखें, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, सुप्रिया, आरबीएल बैंक, आईआरसीटीसी में सबसे ज्यादा वैल्यू की ट्रेड हुई। क्वांटिटी ट्रेड कहें तो जेपी पावर, आइडिया, यस बैंक, आरबीएल और आरकॉम में सबसे ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड हुई है। अगर हम आपको थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट कर पा रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ कि वो भी स्टॉक मार्केट के मूवमेंट को बेहतर तरीके से समझ सकें। नमस्कार, धन्यवाद।